इस मूवी की एंडिंग में बस आप लोगों को जो ये निक नाम का व्यक्ति है इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आएगा और शायद हंसी भी आएगी। और मेरी बात करूं तो यार मुझे दोनों ही बातें हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा तरस भी आ रहा था यार इसके साथ क्या हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे हंसी भी आ रही थी यार क्या है यार इस इंसान के साथ क्या लिखा है ये सब। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गोन गर्ल मूवी के बारे में जो 2014 के अंदर आई थी। टोटल ये 2.5 घंटे की मूवी है और ये इतनी शानदार मूवी है कि इसका शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों का इसके अंदर सस्पेंस बना रहेगा, जिससे कि आपका मन ही नहीं करेगा इसका कोई भी सीन मिस हो जाए आपसे। और जब ये मूवी देखकर हटा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार इस मूवी का रिव्यू कैसे करूंगा, क्योंकि यार इसके अंदर कुछ भी डिटेल आपको बताना तो एक तरीके से स्पॉइलर देना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने गया यूट्यूब पर और मैंने वहां पर चेक किया अगर इसके ट्रेलर में जितनी चीजें दिखाई गई हैं या जितनी चीजें बताई गई हैं मैं उतना ही आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं यार किसी को भी स्पॉइलर देखकर कुछ भी इसका इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहता हूं। और इसके ट्रेलर में यार बहुत कम दिखाया गया बताया गया, तो मैं भी थोड़ा सा यार रिव्यू करके वो सारी चीजें नहीं बता सकता, बहुत कम लिमिटेड चीजें आपको बता सकता हूं। तो चलिए फिर थोड़ी बहुत कहानी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। निक नाम का एक व्यक्ति है, उसकी एक वाइफ है एमी, इन दोनों की 5 साल हो चुके हैं शादी हुई हुई और ये 5वीं एनिवर्सरी बना रहे होते हैं। और उसी दिन निक सुबह अपने घर से निकलता है और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एमी घर पर नहीं है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया या फिर इसका किसी ने मर्डर कर दिया। ये देखो यार आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे। और एमी जो ये जो लड़की है इसका नाम काफी ज्यादा फेमस है, एक इन्फ्लुएंसर कह सकते हो एक तरीके से। जैसे ये बात मीडिया में जाती है तो सारे के सारे मीडिया चैनल जो है वो इसके घर के बाहर आ जाते हैं, निक के घर के बाहर आ जाते हैं। और इसी इंसान को निक को, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि सारे जो लोग हैं इसके ऊपर शक करने लग जाते हैं कि यार इसी ने अपनी वाइफ को गायब किया है या फिर इसी ने इसका मर्डर किया होगा। और ये सारे के सारे मीडिया हाउसेस जो होते हैं वो एक तरीके से जज बन के अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते पूरा अमेरिका निक से नफरत करने लग जाता है। यार अब तक तो पता ही नहीं चला था किसने वो उसको मर्डर किया है या फिर किसने किडनैप किया है, क्या कुछ हुआ है। उससे पहले जजमेंट के कारण, इस मीडिया हाउसेस के कारण निक को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया जाता है। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन असली गुनहगार है या फिर किसने किडनैप किया है? वैसे मैं यार बताने का मन तो कर रहा है बट छोड़ो यार। तो बस यही यार, अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अब बाकी इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आगे अगर एक भी लाइन मैंने आप लोगों को बताई तो वो एक तरीके से स्पॉइलर चला जाएगा और फिर आप लोग मेरे ही कमेंट बॉक्स में गालियां लिखना शुरू कर दोगे और मैं सच में वो सब चीजें नहीं चाहता हूं। इस मूवी की कहानी एकदम परफेक्ट है आप लोगों को सस्पेंस में डालने के लिए, और इसकी एंडिंग तक आप लोग पलकें भी झपकाओगे नहीं, क्योंकि आप मिस भी नहीं करना चाहोगे किसी भी सीन को। अगर आपने ऐसे आंखें मत कर लिया यार कुछ हो गया तो इस तरीके से इतनी जबरदस्त मूवी बनाई गई है। इंसान अपनी मजबूरी में क्या क्या करता है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, उसे क्या क्या सहन करना पड़ता है, इस मूवी की एंडिंग में आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो यार मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता हूं, बट एक थोड़ा बहुत आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड कर रहा हूं इसके लिए। और जो इसका जॉनर है ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर, इन सब चीजों को अच्छे से पका कर आपकी थाली में पेश करती है ये मूवी। देखो इस मूवी के अंदर जो भी चीजें यूज की गई हैं वो बिल्कुल लॉजिकल लगती हैं, कुछ भी चीजें इलॉजिकल नहीं लगती, तो आप बेफिक्र इस मूवी को अच्छे से देख सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो। बट पता है क्या यार, मेरा ना मन कर रहा है आप लोगों को इसकी थोड़ी सी कहानी बता दो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को बताने की, मतलब वो चुल मची हुई है कि यार आप लोगों को बताऊं कि क्या है इसका इसकी कहानी कैसे, कितनी एक्साइटमेंट है। बट यार रिव्यू चैनल होने के कारण मैं नहीं बता सकता, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना कभी कभी ना कितना मुश्किल हो जाता है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब आप ये मूवी देखकर हटोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं होने वाला। इवन आप लोग जो एंटरटेनमेंट है इस मूवी में देने की जो कोशिश की गई है वो आपको भरपूर ही मिलेगा। और जब इस मूवी की मिस्ट्री यानी जो इसका राज है वो सब खुलने स्टार्ट होते हैं, तब आपने जो भी सोचा होता है कि इसको इसने किडनैप किया या इसको इसने मर्डर किया होगा, जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ होता है वो सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। यार ऐसा ही तो होना चाहिए कि कोई भी मिस्ट्री मूवी है अगर आप लोगों को पता ही चल जाए, वो प्रिडिक्टेबल मूवी है, आपको पता चल जाए कि यार हाँ यार यही कातिल है, इसी ने मारा होगा, तब तो यार उसका कोई मजा नहीं रह जाता। लेकिन मजा तब आता है जब आपको उस मिस्ट्री मूवी या जो भी ये थ्रिलर मूवी होता है आपको पता ही नहीं चलता कि यार एटलीस्ट इसमें किसने कौन कातिल था, कौन किडनैपर था, इसमें किसने क्या किया, कौन कहानी को बना रहा था असलियत में, तब मजा आता है। आपकी सोच के विपरीत ही चीजें निकल जाएं और आपको एकदम से शॉक दे दे। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार परफॉर्मेंस तो यार क्या चुम्बेश्वर परफॉर्मेंस दिया हर एक किरदार ने, जो उसके अंदर जो टेंशन दिखती है, उनके अंदर जो डर दिखता है, गुस्सा दिखता है, सब कुछ बखूबी से निभाया गया यार। वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी हम देख रहे हैं। और अब जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे जाता हूं। देखो यार आपके ऊपर आप उस हिंट को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, अगर नहीं समझ पाते तो कोई ना यार, आप लोग जाके मूवी देख लेना अच्छे से, वहां पर आप लोगों को समझ आ जाएगा, और जो समझ पाते हैं तो उनके लिए और इंटरेस्टिंग चीजें हो जाएंगी। देखो जब ये मूवी खत्म होगी तो लड़के जो है वो कुछ ज्यादा
सतर्क हो जाएंगे। अब बस इतना ही एक हिंट है, आप लोग समझ जाना। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 star। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देख रखी तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, एक काफी अच्छी मूवी आप लोग मिस कर दोगे अगर इसे नहीं देखोगे तो। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।